हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है, ये हमारी फिगर है बच्चे। ये हमारे पास ए बी सी डी, ये नेमिंग है। ये दो लाइंस हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पर, और हमारे पास एंगल गिवन है बच्चे, ये बी ओ सी 125 डिग्री है, और एंगल ओ डी सी ये हमारे पास 70 डिग्री गिवन है। तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बच्चे पहले, और क्वेश्चन और देखिए 6.35 फिगर, ट्रायंगल ओडीसी दिख रहा है आपको यहाँ से। ट्रायंगल ओडीसी, ये जो ट्रायंगल है बच्चे, सिमिलर है ट्रायंगल ओबीए के, इस वाली ट्रायंगल के सिमिलर है। ये बात इन्होंने गिवन कर दी है कि दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पर सिमिलर है। एंगल बीओसी 125 डिग्री है, एंगल सीडीओ ये वाला एंगल 70 डिग्री है। आपको क्या निकालना है, एंगल डीओसी, डीओसी यानी ये वाला एंगल, दूसरा हमें निकालना है डी सी ओ यानी ये वाला एंगल। तो देखिए बच्चे कैसे निकालेंगे, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2, हम इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बच्चे। ये हमारे पास फिगर है, यहाँ पर हमारे पास ये जो एंगल है ये पूरा 125 डिग्री है बच्चे, ये वाला एंगल यहाँ पर 70 डिग्री है। नेमिंग कर देते हैं डी सी ए पी, और ये पॉइंट हमें जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइनें वो हमारे पास ओ है। ठीक है बच्चे, तो हमें क्या क्या निकालना है, एक तो ये वाला एंगल निकालना है बच्चे, दूसरा ये वाला एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ ये बताते हैं बच्चे हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ है। देखिए जो बात इन्होंने दी है, क्या क्या दी है कि ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है ट्रायंगल ओबीए के, ठीक है। दूसरी बात क्या गिवन है, एंगल बीओसी इज इक्वल टू 125 डिग्री। तीसरी बात क्या गिवन है बच्चे, एंगल सीडीओ इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये सब हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है बच्चे, आपको निकालना क्या क्या है, टू प्रूव हमें करना है, टू प्रूव कह लीजिए या फाइंड कह लीजिए, फाइंड हमें करना है बच्चे एंगल डी ओ सी, एंगल डी सी ओ और एंड एंगल ओ ए बी, ये हमें निकालना है बच्चे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर डी ओ सी एंगल निकालना है, तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। दिख रहा है बच्चे यहाँ से एंगल, आप यहाँ लिखो, प्रूफ में हम करते हैं बच्चे कैसे कैसे निकाल रहे हैं। तो एंगल बी ओ सी प्लस में एंगल, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, यानी दो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है बच्चे। क्या लिख सकते हो आप, लीनियर पेयर है। ठीक है, अब इन दोनों का सम अगर 180 होता है तो BOC तो हमें पता है कि 125 डिग्री है, तो एंगल DOC इजीली निकल जाएगा। तो देखिए एंगल DOC इज इक्वल टू 125 यहाँ पर है, उधर ले आते हैं तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, 55। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारे पास एंगल DOC। अब हमें कौन सा निकालना है, एंगल DCO, तो देखते हैं कहाँ पर है, डी सी ओ। जब हमारे पास ये एंगल 55 आ गया बच्चे, तो ये हम इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि एक ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो दो एंगल्स हमारे पास गिवन है, तीसरा एंगल हम इजीली निकाल लेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हो, वी नो दैट एंगल सी डी ओ प्लस में एंगल डी ओ सी प्लस में एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास ये 70 डिग्री है ये वाला एंगल, दूसरा ये कितना है बच्चे, ये 55 डिग्री है, और ये हमें निकालना है। तो एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो दोनों को प्लस कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 125 प्लस में एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180। तो एंगल डी सी ओ 180
माइनस में 125 इधर है, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बच्चे। तो एंगल डी सी ओ इज़ इक्वल टू 55 डिग्री। तो अब हमारे पास हमारा ये वाला एंगल भी क्या निकल गया है, 55 डिग्री निकल गया बच्चे। तो ये तीनों एंगल्स तो हमारे निकल गए हैं। अब हमें क्या निकालना है, एंगल ओ ए बी दिख रहा है बच्चे, यानी ये वाला एंगल ओ ए बी। जब हमें ये एंगल निकालना है तो आप देखिए बच्चे, यहाँ से ये वाला एंगल यानी डी सी ए और सी ए बी दोनों एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। जब ये दोनों एंगल्स अगर हमारे इक्वल हैं तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब भी जेड की शेप बच्चे आपको दिखाई देती है तो ये वो क्या बनती है, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जेड की शेप बन रही है, ये देखिए, तो इसका मतलब ये वाला एंगल हमारे इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल, नाउ एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू किसके इक्वल है बच्चे, यहाँ से देखिए एंगल ओ ए बी लिख देते हैं, एंगल ओ ए बी। और रीज़न क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है बच्चे। अब जब ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं तो डी सी ओ एंगल तो हम निकाल चुके हैं बच्चे, ये कितना है हमारे पास 55 डिग्री। एंगल ओ ए बी हमारा कितना निकल गया, इसका मतलब 55 डिग्री। आप यहाँ लिख सकते हो देयर फोर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब देखिए एंगल डी ओ सी भी हमारे पास 55 आया है, ये वाला एंगल भी हमारे पास 55 डिग्री आया है, एंगल डी सी ओ ये भी हमारे पास 55 डिग्री आया है, और तीसरा जो हमें निकालने के लिए बोला था एंगल ओ ए बी वो भी हमारे पास 55 डिग्री आया है। तो यहाँ पर हमारे तीनों एंगल्स जो हैं क्या हैं बच्चे, सारे के सारे 55 डिग्री आए। तो ये हमारा आंसर है। अब इसके थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे हम। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, डायगनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपीजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू डी सी। एक ट्रेपीजियम है बच्चे, उसमें ए सी और बी डी जो डायगनल्स हैं और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर, और ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रैंगल्स, दोनों ट्रैंगल्स का सिमिलरिटी क्राइटेरिया के यूज़ करके हमें क्या प्रूव करना है, शो दैट ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी, ये बात हमें प्रूव करनी है बच्चे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे बच्चे। ए ए बी सी डी, यहाँ से हम डायगनल्स, इसके डायगनल्स उसने क्या बोला है कि ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं बच्चे, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम इन विच डायगनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ओ पॉइंट पर दोनों जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है बच्चे यहाँ पर, कि जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल है, तो आप लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है बच्चे। अब देखिए टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है बच्चे ओ ए अपॉन में ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी, ये बात हमें प्रूव करनी है। अब हम देखिए प्रूफ कैसे करते हैं, इसमें हम पहले दो ट्रायंगल्स लेते हैं बच्चे और उनको सिमिलर प्रूव करते हैं। तो दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, देखिए यहाँ से ओ ए बी और ओ सी डी, क्योंकि हमें ओ ए अपॉन में ओ सी करना है तो हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, ठीक है। अब देखिए हम फर्स्ट लेते हैं एंगल ए ओ बी, दिख रहा है बच्चे
एंगल सी ओ डी, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं बच्चे, वर्टिकली अपोजिट एंगल ही हमारे पास। हम लिख देंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये क्या है हमारे पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए बच्चे इसका सेकंड क्या है, ओ ए बी यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ओ सी डी यानी इस वाले एंगल के। देखिए आप ये देखिए जेड की फॉर्म बन रही है बच्चे, तो मैंने आपको अभी ऊपर क्वेश्चन में बताया था कि जब भी जेड की फॉर्म बनती है तो वो कौन से एंगल से इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी। ये क्या है हमारे पास, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चे, अब देखिए तीसरी हम क्या चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर एंगल ओ बी ए दिख रहा है आपको, ओ बी ए यानी ये वाला एंगल बच्चे वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ओ डी सी। यहाँ पर भी देखिए आप, ये भी जेड की फॉर्म दिख रही है बच्चे आपको, तो इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जब हमने तीनों एंगल्स जब आपस में इक्वल कर दिए हैं इन इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल के, तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफोर ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर है ट्रायंगल ओ सी डी के। कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज़ किया बच्चे इसमें, बाय ए ए ए, तीनों एंगल्स हमने इक्वल करे हैं तो यहाँ पर बाय ए ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी हम यूज़ कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो हम इनको रेशियो में लिख सकते हैं बच्चे। तो देखिए रेशियो में कैसे लिखेंगे, ए ओ अपॉन में ओ सी, यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ बी अपॉन में ओ डी, रेशियो में हो गया। तो हम लिख देते हैं देयरफोर ए ओ अपॉन में ओ सी, यहाँ से ओ बी अपॉन में ओ डी। यही बात हमें प्रूव करनी थी बच्चे, ये हमारा आंसर है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।